महादेव जी का विवाह सबसे पहले किसके साथ हुआ? सती माता। ऐसे तो एक से ही हुआ, सती माता ही पार्वती माता बनकर आई थी, पर अगर नाम को देखा जाए तो उनका पहला विवाह सती माता के साथ हुआ। हम प्रसंग जानते ही हैं कि सती माता के जो पिताजी थे उनको महादेव जी ज्यादा पसंद नहीं थे, और यज्ञ में माता अपनी आहुति दे देती है अपने पति का वो अपमान देखकर। अब इसके पीछे भी देखिए प्रसंग है, उनको वो करना ही था तो ये कार्य बनाया गया। क्यों? कारण सुनिए। तो ये राम अवतार की बात है, तो ये उस समय की बात है जब सीता माता का हरण हो गया था। तो महादेव जी और पार्वती जी ऊपर बैठे हैं, और राम अवतार में जब माता का हरण हुआ तो प्रसंग हम जानते हैं कि राम जी बहुत कहते कि पागलों की तरह वन में घूम रहे थे, वृक्षों से पूछ रहे हैं, रो रहे हैं कि सीता कहाँ है। तो सती माता ये दृश्य देख रही है और उन्होंने पूछा कि ये वही है जिनकी पूजा आप करते हैं, महादेव जी श्री राम की पूजा करते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ वही है। बोले ऐसे इंसानों वाली हरकतें क्यों कर रहे हैं? तो भोले बाबा ने कहा ये लीला है, उन्होंने अवतार ग्रहण किया है तो लीला कर रहे हैं, समझा रहे हैं महादेव जी उनको, वो समझ नहीं रहे। उन्होंने कहा पर मेरा मन नहीं मान रहा, मुझे नहीं लग रहा कि ये वही है, कि आप ऐसे कैसे फिर एक साधारण व्यक्ति की पूजा कर सकते हैं। उनके समझाने पर भी वो नहीं मान रहे। तो महादेव जी ने कह दिया नहीं विश्वास तो परीक्षा ले लीजिए। माता ने कहा ठीक है मैं परीक्षा लूंगी। तो उन्होंने क्या किया, सीता माता का रूप बनाया और श्री राम के सामने गए, और श्री राम उनके चरणों को ही देख रहे हैं, और चरणों को देखते ही श्री राम ने कहा प्रणाम माता, बाबा कहाँ है? उनको समझ आ गया कि उनसे क्या गलती हुई है। और यहां तक कि श्री राम ने यह कार्य भी किया, जब सती माता वापस जाने लगी और मुड़कर देखती है तो श्री राम ने एक दृश्य सामने बनाया जिसमें श्री राम चल रहे हैं, सीता माता चल रही है और लक्ष्मण जी चल रहे हैं। यानी श्री राम समझा रहे हैं कि चिंता मत करो, सीता ठीक है, ये सिर्फ लीला है, उसको कुछ नहीं हुआ है। अब जब सती माता वापस आई, मुझे नहीं पता आप कितनों को पता है कि नहीं कि सती माता महादेव जी के गोद पर बैठती थी, तो वो जैसे ही आई तो महादेव जी ने अपने बगल में आसन का इशारा करते हुए कहा यहां बैठिए। क्यों? क्योंकि महादेव जी श्री राम को पिता समान मानते हैं, तो सीता माता कौन हुई? मां समान। उन्होंने सीता माता का रूप, अब वो पत्नी के रूप में उनको ग्रहण नहीं कर पा रहे, उनका मन नहीं मान रहा, अब कैसे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लूं? तो सती माता ये बात समझ गई थी कि अब इस रूप में तो वो मुझे ग्रहण नहीं करेंगे, तो इसीलिए फिर ये जो लीला बनाई गई थी दक्ष राजा की वो हुआ। उन्होंने उस शरीर को खत्म करके वो हिमाचल राजा के यहां पार्वती माता के रूप में प्रकट होती है, बड़ी होती है। नारद जी एक दिन हिमाचल राजा के आए, हिमाचल राजा ने कहा कन्या विवाह योग्य हो गई है, कोई अच्छा वर है तो बताइए। नारद जी ने कहा बहुत अच्छा वर है, नाम है महादेव, आपका देखा है, मेरी बेटी खुश रहेगी। अरे बोले बहुत सुखी रहेगी, कर दिया रिश्ता पक्का। यहां विष्णु भगवान महादेव जी को मना रहे हैं, अरे आप कन्या तो देखिए। वो कहे मुझे नहीं करना विवाह। बोले कन्या तो देखो पहले। अब महादेव जी ने देखा तो ये तो सती ही है। कहते ना कि विश्व की सबसे पहला प्रेम विवाह था, ये लव मैरिज, दुनिया का सबसे पहला प्रेम विवाह महादेव जी और पार्वती जी थे। उन्होंने इतना इंतजार किया उनके लिए और पार्वती माता के रूप में तप करके कि विवाह तो इनसे ही होगा।